Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, students of class 4. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Students, this is your social study video lecture. Today is Tuesday, 25th May 2021. My dear little kids, today we shall do the reading and explanation of page number 12, lesson number 3, People and Tribes of Pakistan. सो ओपन योर बुक्स एंड मैं टे ऑन पेज नंबर ट्वेल्व माई डियर लिटल किड्स बिफोर रीडिंग वी शेल ड्रिल द न्यू वर्ड्स ऑन पेज नंबर ट्वेल्व द टॉपिक इज वी आर पाकिस्तानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी आर पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी हैं एंड द न्यू वर्ड्स आर नेशनेलिटी नेशनैलिटी कौमियत लाइक इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान यू आर कॉल्ड पाकिस्तानी तो आपकी नेशनैलिटी क्या है कि आप पाकिस्तानी हैं एंड द पीपल हु लिव इन अमेरिका दे आर कॉल्ड अमेरिकन द पीपल हु लिव इन चाइना दे आर कॉल्ड चाइनीज द पीपल हु लिव इन इंडिया दे आर कॉल्ड इंडियन तो ये उन सब की नेशनैलिटी है जिस भी मुल्क में हम रहते हैं उससे रिलेटेड जो uh, हम कहलाते हैं वो जैसे वी आर पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी हमारी नेशनैलिटी है एविडेंस एविडेंस मीन सबूत प्रूफ इकट्ठा करना एविडेंस सबूत प्रूफ रेजिडेंट रहने वाले लोग इन दिस इमेज यू कैन सी रेजिडेंट रहने वाले मतलब जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे आप उसके रेजिडेंट कहलाते हैं एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफिकेशन 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 आपकी पहचान तो पाकिस्तानी होने की हैसर से आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है आपका आईडी कार्ड जो पाकिस्तान Uh, की हुकूमत की गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है आप बनवाते हैं जब आप एटीन ईयर्स के हो जाते हैं तो इस बात का प्रूफ होता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं यू आर द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है जब भी आपने किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है आपने अपना पासपोर्ट बनवाना होता है आपने अपनी जॉब लेनी होती है तो फिर आप अपना आई कार्ड जो है उसको दिखाते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं लीगल रेगुलेशन कानूनी लीगल रेगुलेशन कानूनी कानून के हिसाब से जो काम किए जाते हैं रिस्पॉन्सिबलिटी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी नेसेसरी ज़रूरी नस्सरी ज़रूरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूर पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम क्या है इस्लामी जमूर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वैल्यूएबल वैल्यूएबल कीमती महंगा जो होता है प्राइड तारीफ प्राइड तारीफ रिसोर्स जराए रिसोर्स जराए और पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्स हैं दे आर एंड दिस इमेज यू कैन सी एनिमल रिसोर्स हैं पाकिस्तान के पास क्रूड ऑयल है मतलब खाम तेल जिससे हम पेट्रोल भी बनाते हैं फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान के पास प्रीशियस स्टोन्स हैं और इसके अलावा वाटर रिसोर्स हैं लैंड रिसोर्स हैं यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खेती बाड़ी करते हैं और फसलें ग्रो करते हैं पाकिस्तान के पास विंड पावर है सोलर इनर्जी है जो सूरज से बनाई जाती है कि रोशनी से बनाई जाती है एंड नेचुरल गैस है और यानी कि कुदरती गैस ये तमाम जो है बहुत कीमती रिसोर्स हैं जो पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद हैं ये रहमत है अल्लाह ताला की पाकिस्तान के लिए ना लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑन पेज नंबर ट्वेल्व पीपल लिव इन कंट्री आर कॉल सिटीजन दे आर नैशनल ऑफ़ दैट कंट्री वी द लिव लोग जो जिस भी मुल्क में रहते हैं वो उस मुल्क के शहरी कहलाते हैं और उस मुल्क में रहने की वजह से वो उसके कॉम होते हैं वो उनकी नेशनल्स हो जाते हैं मतलब उनके पास वो कौमी जो नाम उनको दे दिया जाता है उस मुल्क के हिसाब से नेशनैलिटी कौमियत इज़ द लीगल एविडेंस दैट रेजिडेंट इज़ सिटीजन ऑफ द कंट्री कौमियत यानी कि उस मुल्क के शहरी की हैसियत से एक आई डी कार्ड उसको जो है नेशनल मतलब ये एक कानूनी सबूत उसको दे दिया जाता है कि तुम उस मुल्क के शहरी हैं अब वो कानूनी सबूत किया है जिससे वो सब दुनिया में जाकर बता सकता है कि भाई मैं किस मुल्क का शहरी हूँ दे आर ऑफर्ड आइडेंटिफिकेशन कार्ड विच मीन्स अ सिटीज़न विल अबाइड बाई ऑल द लीगल रेगुलेशन ऑफ़ द कंट्री उसको एक आई डी कार्ड दिया जाता है जिसका मतलब ये होता है कि वो उस शहरी जो है वो उस मुल्क में जिस मुल्क में वो रह रहा है जिस मुल्क का उसको आई डी कार्ड इशू किया गया है उस मुल्क के तमाम कवानी को मानने का वो पाबंद है ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ द स्टेट टेक्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी राइट्स टू द सिटीज़न ये उस रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो उस शहरी को और उसके तमाम ज़रूरी हकूक़ जो है वो फ़राहम करे उसको प्रोवाइड करे कि जितने भी हकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसको शहरी के तमाम हकूक़ दे और शहरी की जिम्मेदारी है वो कि वो उस मुल्क के कानून का एहतराम करे उसके मुताबिक काम करे और उसके खिलाफ ऐसा कोई काम ना करे जो उस मुल्क के कानून में मौजूद नहीं है मतलब कानून के खिलाफ फर्जी ना करें सिटीजन ऑफ़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे कि आपको पता है कि हम सब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं पाकिस्तान इज ब्लेस्ड बाई वैल्यूएबल स्टोर्स ऑफ मिनरल्स फोर सीजन हाई पीक माउंटेंस लश ग्रीन लैंड डेजर्ट्स डीप्स पोर्ट्स एंड मच मोर पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से मतलब अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत है पाकिस्तान में है नाजलेंगे पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं बहुत सारे कीमती पत्थर हैं धातें हैं इसके अलावा लश्क्रीन लैंडस ज़मीन जो है पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत है पहाड़ हैं इसके बाद डीप पोर्ट्स हैं डेजर्ट्स हैं माउंटेन हिल्स वैलीज तो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम नेमतें और रहमतें जो है अल्लाह की वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं डीप पोर्ट्स का मतलब है कि अपना जो फॉरेन कंट्री से आप लोग जो सामान लेकर आते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं और वहाँ पे उसको सामान को आसानी से समंदरी रास्ते से लाया और फिर लेकर शहरों तक पहुँचाया जाता है ऑल दिस रोर्स आर सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस ये तमाम ज़ाय जो हैं वो हमारे लिए बहुत तारीफ़ के काबिल हैं इंटरनेशनल सिटीज़नशिप बैन अवी शहरीत फॉर लास्ट फ्यू डेज द टर्म इंटरनेशनल सिटीजनशिप इज गेटिंग पॉपुलरिटी बहुत कुछ दिनों से जो हैं वो, है वह बैनी शहरी जो है वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर्ड मतलब उसमें बहुत मकबूल हो गई है वो शहरत हासिल कर लिया है उसने दिस टर्म मीन्स कंसिडरिंग योर सेल्फ सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड रदर दैन स्ट्रक्टिंग टू द सिटीज़न ऑफ वन कंट्री इस ट्रम का मतलब यह है कि आप अपने आप को पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ तो उस आप अपने आप को एक शहरी की हरियत से उस मुल्क के शहरी की ऐसे से जानेंगे इसमें इलामा इकबाल की पोइम जो है वो ब्यूटीफुली इंटरप्रेट्स द सेम थॉट इसी जो ख़्याल और सोच है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रट्स का मतलब होता है तशरी करना उनके शेर में इस बात का मतलब मौजूद है चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा कि आप चीन में रहें अरब में रहें हिंदुस्तान में रहें आप मुस्लिम हैं यानी कि पूरी दुनिया आपका वतन है आप किसी भी एक कंट्री में जाकर वहाँ पे उसके रूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप मुसलमान हैं और आपने अपने ही मज़हब को फॉलो करना है सेंसफुल लिव एन अनऑर्गेनाइज एंड सिविलइज़्ड वर्ल्ड जैसा कि हम सबको पता है कि हम एक ऑर्गेनाइज मुनज़म और सिविलाइज़्ड मतलब तहज़ीब याफ़्ता दुनिया में ज़िंदगी गुजारें दियरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम सिटीज़न ऑफ वन कंट्री टू रन एवरी डे अफेयर्स ऑफ लाइफ और एक शहरी एक मुल्क के शहरी ही होने की हैसियत से जब भी जिस भी मुल्क में हैं आप तो हमें उस मुल्क के शहरी की हिसिये से अपनी ज़िंदगी के जो भी अफेयर्स हैं मामला है उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहिए ओके स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू डू पेज नंबर थर्टीन ओपन पेज नंबर थर्टीन अब आपने पेज नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर ए मतलब पार्ट ए करना है आपने एंड द क्वेश्चन इज टिक ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द इनकरेक्ट सेंटेंसेस सही जुमला है तो आप उसके आगे टिक लगाएंगे और अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो आपने उसके आगे क्रॉस लगाना है आपने इस पूरे लेसन की हमने रीडिंग की थी हमने डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा था ट्राइबल एंड फैमिली सिस्टम कंट्री एंड सिटी और आज हमने वो यार पाकिस्तानी के बारे में पढ़ा है और ये सारी जो सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं ये इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं आपने इनको पढ़ा हुआ है ओके स्टूडेंट नंबर वन इज़ पीपल लिविंग इन मन हाउस आर कॉल्ड सिटीजन जो मट्टी के घरों में लोग रहते हैं उनको हम सिटीज़न कहते हैं नूम सिटीज़न किस को कहते हैं द पीपल हु लिव इन कंट्री जो एक मुल्क में रहते हैं वी आर ऑल सिटीज़न ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन बींग्स हैव बिन लिविंग द ट्राइबल सिस्टम सिंस सेंचुरीज इंसान जो है काफ़ी सदियों से ट्राइबल कबायली निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार है टिकॉ क्रॉस आप आपने ख़ुद लगाना है मैं आपको उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ आई नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ़ पीपल शेयरिंग डिफरेंट वैल्यूज़ एंड सिविलाइजेशन कौम लोगों का एक ऐसा ग्रो होती है जो वहाँ के तमाम वैल्यूज़ और उनके रवायतों और तहजीब को के मुताबिक अपनी वो ज़िंदगी गुजारते हैं अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ आज अल्लाह ने हम सबको डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लुक देखने में हाइट कलर और हैबिट्स में डिफरेंट पैदा किया अल्लाह ताला ने हम सबको अब आपने देखना है कि इन सेंटेंसेस में कौन सी सेंटेंसेस करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं उसके आगे आपने टिक और क्रॉस ऐड करना है ओके स्टूडेंट्स नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़